एक सेकंड पकड़िए, इनका तो रोज को है, जगत की बात नहीं, मुझे भी टेंशन होती, चिंता तो लगती है ना। मम्मी आई क्या? हाँ बेटा आ गई। कल जा रहे हो ना वर्कशॉप? जी बिल्कुल। इंडियन इलेक्शन यानी भारतीय चुनाव, 30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, 84 करोड़ वोटर, 90 लाख वोटिंग बूथ। हम आज भी गिनीज बुक में अपना पिछला रिकॉर्ड साफ करते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने साबित किया है, भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाएं, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप, हम आप इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छी बात। चुनाव तक जिंदा रहेंगे तब ना सर। कौन बोला? अरे भाई खड़े हो जाओ, मुर्गा नहीं बनाएंगे। देखिए कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कोई डरे, इट्स अ ह्यूमन नेचर। कल की घटना से नक्सलियों ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव का बायकॉट करेंगे। नक्सलियों को सिर्फ एक ही अस्त्र मिटा सकता है और वो हथियार है हमारे पास, वोटिंग मशीन। लेकिन हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हीरो मत बनिएगा वहां, वो जो मांगते हैं दे दीजिएगा, वोटिंग मशीन मांगते हैं दे दीजिएगा। उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहां री इलेक्शन करवाएंगे। क्लियर? कोई और? जी। अगर री इलेक्शन में भी उपद्रव हुआ तो फिर री इलेक्शन के बाद फिर री इलेक्शन होगा। सर जी, सर अगर री इलेक्शन की री इलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? क्या नाम है आपका? न्यूटन। न्यूटन जी, एप्पल वाला न्यूटन ना? नहीं, एक मिनट। न्यूटन जी, दो के बाद क्या आता है? तीन। तीन के बाद? चार। चार के बाद? गुड बॉय, बैठ जाओ। तो अच्छा करो। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना पैरों में मत। चाय बोलिए यार। सर बैग। सर सिंपल से डाउट था सर, आपने मजाक बना दिया। अरे यार, अब सवाल ऐसे पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा। सर मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं। हां जेन्युइन, छोड़ो, बैठ जाओ। न्यूटन जी। सर एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? पापा फिजिक्स पढ़ाते थे या मम्मी का शौक या दोस्ती यारी में? किसने रखा ये नाम? मैंने रखा। मैंने मतलब खुद से रख दिया? जी। क्यों? माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे तो हाँ ऐसे ही है। नूतन कुमार। तो तुमने क्या किया फिर? तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और तन का टन। नू का न्यू कर दिया और तन का टन। ये बाबा ना बहुत भारी नाम रख लिया है, मतलब अपनी महानता खुद ही ओढ़े चले जा रहे हैं। वाह, आप फिर से क्लास ले रहे हैं। अरे छोड़ो, लेना देना सब ऊपर की बातें हैं। एक बात बताओ, न्यूटन ने कैसे दुनिया चेंज की थी? ग्रेविटी, ऑप्टिक्स। अरे यार, इतने सालों से न्यूटन नाम लगा के घूम रहे और असली बात भूल गए। उसने जमीन आसमान सब एक बराबर कर दिया। पूछो कैसे? कैसे? न्यूटन से पहले लोगों को लगता था कि जमीन का कानून अलग है, आसमान का कानून अलग है, चर्च का कानून अलग होता है, मंदिर का कानून अलग होता है, राजाओं के लिए अलग लॉज, हम जैसे लोगों के लिए कुछ अलग लॉ। लेकिन न्यूटन ने एक ही झटके में ये साबित कर दिया कि ये गलत, कि कुदरत के सामने सब बराबर है। एक पहाड़ से अंबानी और ये चाय वाली दोनों कूदते हैं,
कूदे, दोनों एक ही साथ गिरेंगे, एक ही रिएक्शन होगा। तो न्यूटन ने हमें यह सिखाया कि कुदरत के सामने सब बराबर है, क्या राजा या क्या भिखारी। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? अभी एलोकेट नहीं हुआ, प्रोविजन पे हूँ कलेक्टर ऑफिस में। तो फिर इलेक्शन ड्यूटी पर कैसे? मैं सर रिजर्व में। अच्छा है, जरूरत होती है रिजर्व वालों की, 12th प्लेयर क्रिकेट में भी फुटबॉल में भी।